नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। यह मेरी 280वीं मीटिंग है। लोकसभा चुनाव के दौरान देश के 125 करोड़ जनता के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के 4 पुरखों ने 55 साल देश में राज किया। जो काम वह नहीं कर पाए वह मोदी जी ने 5 साल में करके दिखाया। हमें तो 5 साल हुआ, पहले आप 55 साल का हिसाब दीजिए, फिर हमसे हिसाब पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक चुनावी सभा के दौरे पर रीवा लोकसभा की गुड़ विधानसभा के गोविंदगढ़ में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को एक एक करके जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। उनका कहना था, नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए 135 योजना चलाई, 8 करोड़ शौचालय बनवाए, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे दिए, 24 लाख 25 हजार लोगों का ऑपरेशन करा दिया। राहुल गांधी जगह जगह घूमकर मोदी से सवाल पूछते हैं, जबकि उनको कुल 55 सालों का हिसाब देना चाहिए, जब देश में उनके पुरखों का राज था। उल्टा वह हमसे पिछले 5 साल का हिसाब मांगते हैं। आइए आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने और क्या क्या कहा। क्या समझते हैं, लोकतंत्र के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता को दबाकर आप चुनाव जीतेंगे? 23 मई को मतगणना होने दो, आपकी कुर्सी के चारों स्तंभ हिलने वाले हैं। और कमलनाथ, याद रखना, मैं आज बताने आया हूं, आप मुझे 100 गाली दे दो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी को 100 गाली दे दो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की प्रताड़ना की तो आपको इसका जवाब देने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता। लोकतंत्र के अंदर विरोधी दलों को दबाने का कांग्रेस का जो संस्कार है वो अब नहीं चलने वाला है मित्रों। और आज जो सूचनाएं मिली, एक जमाना था ये मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सीबी का अड्डा बना हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने इस सीबी के अड्डे जैसे मालवा क्षेत्र को सीबी का पूरा नेटवर्क तितर बितर करने का काम किया। सीमी वालों को मध्य प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। कुछ अहमदाबाद की जेल में है, कुछ दिल्ली की जेल में, कुछ भोपाल की जेल में है। और ये आए अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण फिर से एक बार सीमी को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। मित्रों, मैं उनको चेताना चाहता, जनार्दन मिश्रा जी को इसके लिए वोट मत देना। मैं बताता हूं इसके लिए वोट मत देना। कोई जनार्दन मिश्रा जी को 24 घंटा बिजली, शौचालय, गैस, लाइट, घर, इसके लिए वोट मत देना। मगर जनार्दन मिश्रा जी को वोट जरूर देना है। इसलिए देना है कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मगर गठबंधन वालों की सरकार बनी तो सोमवार को बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, मंगलवार को अखिलेश बनेंगे, बुधवार को शरद पवार, गुरुवार को देवगौड़ा, शुक्रवार को चंद्रा बाबू, शनिवार को ममता दीदी और रविवार को देश छुट्टी पर चला गया। रीवा वालों, कोई देश ऐसे चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? देश को एक मजबूत नेता चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। देश को मजबूर नेता और मजबूर सरकार नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेता और मजबूत सरकार चाहिए। अपने को विश्व के सबसे बड़े पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदगढ़ के पोलो मैदान से पिछले 5 साल के कामकाज की जगह राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगते नजर आए। उनका कहना था, मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस उस पर सवाल उठाते हैं, हमें आप लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करिए।